गरीबों के हक का खाना अमीरों की झोली में। यूपी के आजमगढ़ जिले के तहसील मोटिनगंज ग्राम पंचायत लालपुर जोखो में राशन बेचने का मामला सामने आया है। बता दें कि कोटेदार की मनमानी बहुत दिनों से चल रही थी। ग्रामीण बहुत समय से इस ताक में बैठे थे कि किसी दिन रंगे हाथों पकड़ा जाए। यह राशन कोटेदार ग्रामीणों को बेच देता था। रात हुई, राशन पिकअप में लोड करने का सिलसिला जारी हुआ। ग्रामीण पहले से ही घात लगाए बैठे थे। पिकअप जैसे ही निकला पीछा करने लगे। कुशवा के रहने वाले फकरे आलम व्यापारी घर राशन से भरा पिकअप पकड़ा गया। ग्रामीणों ने पिकअप को रोककर थाना अध्यक्ष दीदारगंज व चौकी प्रभारी को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप से भरा राशन कब्जे में लेकर थाने लेकर आई। अब कोटेदार के ऊपर क्या कार्रवाई होती है देखना बाकी है, क्योंकि अकेले कोटेदार गरीबों के राशन में हिस्सेदार नहीं होता, अकेले ही पैसे गमन नहीं कर सकता। अब ये देखना है कि किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है। क्या अकेले कोटेदार पर प्रशासन का हंटर चलता है या और लोगों का नाम भी सामने आता है। देखें मोटिनगंज से अशोक कुमार मूलचंद की यह खास रिपोर्ट। यह मामला है यहाँ पे, ये जो है हमारे गांव के कोटेदार जो हैं अशोक कुमार, उनके यहाँ पिकअप लद रही थी। हमें सूचना मिली कि हमारे कोटेदार के यहाँ से पिकअप लद रही, उसमें गेहूँ चावल लादा जा रहा है। तो हम लोगों ने उसका पीछा किया, तो ये पिकअप जो है कुशवा बाजार कुशवा गांव में फकरे आलम के घर के पास इस पिकअप को हमने पकड़ा और अशोक साहब को सूचित किया, उन्होंने पुलिस भेजी। इस गाँव के ये कोटेदार हैं, लारपुर जोखो के। किसी नाम से? अशोक कुमार। कितना बोरा लदा होगा इसमें लोड? पिकअप में माल है, बोरा तो हमें याद नहीं, काउंट नहीं हुआ है कितना माल है ये तो पता नहीं। थाना अध्यक्ष को सूचना दिया? हाँ, एसओ साहब को सूचना किया, तो एसओ साहब ने चौकी इंचार्ज साहब को भेजा। इस समय कहाँ पे गाड़ी आई है? इस समय चौकी पे है, मार्टिनगंज में। जी जी। अपना नाम बताइए। अमित कुमार राय नाम है मेरा। पूरा एड्रेस बताइए। ग्राम लालपुर जोखो पोस्ट करने थाना दीदारगंज मार्टिनगंज। तो थाना अध्यक्ष जी क्या कहें, कार्रवाई करने के लिए तैयार है? कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तभी तो लेके आए। कौन खरीदा था? फकरे आलम। क्या है, आज पहली बार खरीदे हैं कि बार बार? कई बार, ये तो बार बार सूचना मिलती है हम लोगों की, रात में माल लोड होता है जाता है। तो आप कहाँ से पीछा किए? आज हम लोग कोटेदार के घर से ही पीछा किए गाड़ी का, क्योंकि वहाँ से जब लोड होकर निकले तो हम लोग पीछा किए, तो एक कुशवा गांव में इनको पकड़ा गया। मस्जिद के पास इनका घर है, फकरे आलम के घर ही। फकरे आलम के घर ही बाहर खड़ी गाड़ी पकड़ी गई। वहाँ और कौन थे? वहाँ कोटेदार भी हमारे थे मौजूद, उनके भाई सब लोग। पीछे भी लगे।